So further uses जो हैं convection के, that is land and sea breeze. Breeze होती है air, ठीक है, हवा. Land मतलब जो अर्थ के ऊपर चल रही होगी हवा, ठीक है वो. And sea जो समंदर के ऊपर हवा चल रही होगी, ठीक है. So land के ऊपर जो चलेगी that will called land breeze. एंड जो सी के ऊपर पानी के ऊपर है दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज, ठीक है. सो अब क्या होता है कि जो लैंड के ऊपर सॉइल है उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है 8-10, ठीक है, जबकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है 4200. स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब है कि इतना टेम्परेचर हम इसको देंगे तो 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, इतनी हीट हमें देनी पड़ेगी, ठीक है. यानी जो सन से हीट आ रही है अगर वो 8-10 होगी तो 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा अर्थ का. इसी तरह से अगर 4200 हम लोग जाउल हीट दे रहे हैं तो 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा 1 किलोग्राम मास का, ठीक है. मास भी अंदर इन्वॉल्व होता है कि 1 किलोग्राम मास का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा जब इतनी हीट उसको प्रोवाइड की जाएगी. सो अब क्या होता है कि जो सन से हीट आ रही होती है, क्योंकि 8-10 बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है. इतनी हीट जब हमने सॉइल को दी तो सॉइल क्या हो गई, गर्म हो गई. उस सॉइल के गर्म होने की वजह से क्या होगा, जितनी भी हवा ऊपर चल रही है वो गर्म हो जाएगी, ठीक है. सो क्या हुआ कि जैसे लैंड का टेम्परेचर इंक्रीज किया हवा जो है वो गर्म हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, हॉट एयर. अब सी पे क्या है, क्योंकि पानी जब तक 4200 जाउल तक जो है हीट स्टोर नहीं करेगा तब तक बिल्कुल गर्म नहीं होगा, उसमें 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा जब तक 4200 जाउल की एनर्जी स्टोर नहीं होगी. सो सारा दिन भी अगर हम देखें कि सन से इतनी हीट आ रही है तो अल्टीमेटली क्या होता जा रहा है, वाटर उसको एब्जॉर्ब करता जा रहा है अनटिल के उसकी हीट 4200 तक पहुँच जाए, ठीक है. तो 4200 तक पहुँचते वो अपने अंदर बहुत सारी हीट स्टोर कर लेगा, लेकिन उसके ऊपर जो एयर है वो गर्म नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा जब तक 4200 जाउल एनर्जी स्टोर नहीं होगी, ठीक है. सो इसका मतलब है जो वाटर के ऊपर चलने वाली हवा है वो क्या है, कोल्ड है, ठंडी है, ठीक है. अब होता क्या है बेसिकली कि यहाँ पे भी हमारे पास फ्लो ऑफ जो एयर है वो चलता रहता है, हवा चलती रहती है. सो डे टाइम में किस तरह से हवा चलती है, डे टाइम में कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है. सो हमने कन्वेक्शन में पढ़ा क्या है कि जितनी भी हमारी बॉडीज गर्म हैं वो ठंडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र कर रही हैं, ये जो ठंडी है वो गर्म की तरफ आती जा रही हैं ताकि वो भी हीट को एब्जॉर्ब कर सके. और यही फिनोमिना हमने पढ़ा कि जो मॉलिक्यूल्स गर्म होते जा रहे थे वो क्या होते जा रहे थे, वो लाइटर इन वेट होते जा रहे थे, और जिनका वेट कम होता जाता है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर जाते हैं, और जो ज़्यादा वेट वाले होते हैं वो डाउनवर्ड फ्लो करना शुरू कर देते हैं. अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि लैंड की जो एयर है वो गर्म हो चुकी है, ठीक है. सो वो गर्म होने की वजह से सी की जो एयर थी वो तो ठंडी थी, अब गर्म एयर ने किस तरफ फ्लो करना शुरू कर दिया, ठंडी की तरफ. एंड ठंडे से क्या होना शुरू हो गया, गर्म की तरफ हवा फ्लो करना शुरू कर गई, ठीक है. सो अब क्या हो रहा है कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है सी ब्रीज क्या करेगी, उस तरफ फ्लो करना शुरू कर देगी ताकि ये जो गर्म ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हीट को एब्जॉर्ब कर लें, सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लें जब वो लैंड के ऊपर आ जाएंगे. सो डे टाइम में जो हमारी हवा चलती है वो सी ब्रीज से लैंड सी से लैंड की तरफ आती है. क्यों, क्योंकि सी की हमारी जो एयर है वो ठंडी है, ठीक है. अब उसने क्या करना है, उसने हीट को एब्जॉर्ब करना है. सो वो क्या करेगी, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है उस तरफ को फ्लो करना शुरू कर देगी ताकि वो मॉलिक्यूल्स भी गर्म हो सके. सो डे टाइम में जो हमारी एयर का फ्लो होता है दैट इज डे टाइम ब्रीज जो है वो किस तरह से चलती है, सी से लैंड की तरफ, ठीक है. क्योंकि लैंड में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि 8-10 जितनी हीट 8-10 अभी एब्जॉर्ब की सॉइल ने तभी वो हीट एब्जॉर्ब हो गई एयर के अंदर और एयर गर्म हो गई. सो एयर के गर्म होने की वजह से अब जो सी की है वो तो कूल्ड एयर है और वो किस तरफ जाएगी, हीट वाले एरिया की तरफ, ताकि उसके मॉलिक्यूल्स भी गर्म हो सकें. सो डे टाइम में हमारे पास सी से लैंड की तरफ ब्रीज जा रही है. अब नाइट टाइम में क्या होगा,
नाइट टाइम ब्रीज। नाइट टाइम में क्योंकि अब इतनी हीट एब्जॉर्ब होती गई उस पानी के अंदर अब बहुत हीट है, बेशक 4200 तक नहीं पहुंची, लेकिन उसके अंदर हीट ज़रूर प्रेजेंट है जो सारा दिन में उसने पानी ने स्टोर कर ली। ठीक है, लेट सपोज वो 3600 तक हो गई। ठीक है, अब क्योंकि सॉइल को सिर्फ 810 हीट चाहिए होती है, अब नाइट टाइम में क्या होता है क्योंकि जो है टेम्परेचर कम हो जाता है तो इतना 810 उसको हीट नहीं मिलेगी, सन है नहीं तो हीट भी उतनी नहीं मिलेगी। जैसे ही हमारे पास ये हीट कम होगी तो लैंड ऑटोमेटिकली ठंडा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि सॉइल जो है उसकी अब स्पेसिफिक हीट कम होना शुरू हो गई है। ठीक है, 810 उसको जैसे ही ख़त्म हुई सप्लाई हीट की मिलना वो ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि लैंड की जो एयर है वो ठंडी हो चुकी है और जो हमारे पास सी है उसकी तो गर्म है। अब क्या करेगी, लैंड वाली हवा जो है सी की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगी। ठीक है, लैंड से अब सी की तरफ आना शुरू कर देगी हवा, तो उससे क्या होगा क्योंकि लैंड की जो है वो ठंडी है। ठीक है, अब यहाँ लैंड की जो एयर है वो ठंडी हो चुकी है और वो क्या करेगी क्योंकि सी के ऊपर जो एयर है वो थोड़ी गर्म है क्योंकि सारा दिन में जो वाटर ने हीट एब्जॉर्ब किया है अब उसकी वजह से हवा थोड़ी गर्म हो चुकी है। अब ये ठंडे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस गर्म मॉलिक्यूल की हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए लैंड से सी की तरफ जाना शुरू कर देंगे। सो इसी तरह से जो हमारे कोस्टल एरियाज़ वगैरह हैं जहाँ पे समंदर वगैरह पाए जाते हैं उनका टेम्परेचर इसीलिए मॉडरेट रहता है क्योंकि डे टाइम में जहाँ पे ठंडी हवाएं वहाँ से गर्म हवा की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगी, यानी अगर पास हमारे समंदर है तो समंदर से ठंडी हवाएं चलना शुरू कर देंगी तो डे टाइम में भी हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है तो गर्म हवा भी उस इलाके की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगी एंड टेम्परेचर बिल्कुल मॉडरेट रहेगा। इसीलिए जो जिन जगहों के करीब पानी होता है या समंदर वगैरह होते हैं वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल मॉडरेट रहता है। क्यों? क्योंकि कन्वेक्शन का प्रोसेस दिन और रात सारा टाइम होता रहता है और लो से हाई की तरफ या हाई से लो की तरफ फ्लो चलता रहता है एंड इस फ्लो की वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीट को ट्रांसफ़र करते रहते हैं जिसकी वजह से हमारा बिल्कुल टेम्परेचर एक मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। सो ये था हमारा लैंड एंड सी ब्रीजेज़।